हेलो हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू मिनिक्स बैटी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पबजी मोबाइल से रिलेटेड एक और न्यू इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो लेके। तो भाई लोग, आपने पबजी मोबाइल के अंदर इस प्रकार के रेड हाउस को तो देखा ही होगा, जो कि हमें जगह जगह पे देखने को मिल जाता है। अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कि कुछ बंदे स्टॉल के लेके रेड हाउस के अंदर काफ़ी खतरनाक तरीके से कैंप कर रहे होते हैं, और तब हमें डायरेक्ट घुसना पड़ता है जब हमारे पास नेट नहीं होता। और जब हम डायरेक्ट अंदर घुसते हैं तो उनके हाथों मारे जाते हैं, और जब हम उनके हाथों मारे जाते हैं तो हमें बहुत बुरा भी लगता है और हमारा काफ़ी माइनस भी होता है। लेकिन भाई लोग, आज मैं आप लोगों को रेड हाउस के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसका यूज करके आप काफ़ी इजीली रेड हाउस के अंदर के कैंपर्स को मार सकते हो। तो कौन कौन से हैं वो ट्रिक्स, चलिए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत जल्द जो है 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो आती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, कभी कभी क्या होता है कि रेड हाउस के सेकंड फ्लोर पे बंदे जो है जगह जगह पे कैंप कर रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ सीढ़ी पे कैंप कर रहे होते हैं, कुछ पिछले रूम में जाके कैंप कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नर के पास कैंप कर रहे होते हैं, और हमें आइडिया नहीं होता कि बंदे कहाँ पे हैं, कहाँ पे टीपीपी लेके हमारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर आने का, कि जैसे बंदा ऊपर आएगा उसको आसानी से पेल दो। तो ऊपर का लोकेशन हमें नीचे से कैसे पता करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई लोग, आपको क्या करना है, आपको यहाँ किचन में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सामने एक बॉक्स दिख जाएगा, आप इस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाइए। जैसे ही इसके ऊपर चढ़ के आप स्केटिंग करोगे फ्रेंड्स, ऊपर का पूरा नज़ारा आपको दिख जाएगा, ए टू जेड पूरा दिखेगा। फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, आप पूरा चारों तरफ का देख पाओगे कि बंदा आखिर कहाँ बैठा है। उसके बाद आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो उसको मारने की। तो भाई लोग, कभी कभी क्या होता है कि रेड हाउस के अंदर बंदा जो है यहाँ पे सीढ़ियों के पास ऊपर में सेकंड फ्लोर पे टीपीपी लेके बैठा रहता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से कैंप कर रहा था। और जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं तो भाई यहाँ से वो हमें गोली मारता है, और यहाँ से जब भी गोली लगी तो भाई हेडशॉट ही लगेगी और आप तुरंत डेड हो जाओगे। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर के कैंपर को कैसे मारा जाए काफ़ी इजीली। भाई लोग, हमें करना क्या कि हमें तुरंत जो है ऊपर नहीं जाना, सबसे पहले हमें यहाँ सीढ़ियों के पास आना और पोजीशन देखना कि भाई बंदा ऊपर है कि नहीं। नहीं तो मैंने वो ट्रिक तो आपको बता ही दिया कि आप उसके ज़रिए आप ऊपर के सारे जगह के बंदों को आप देख सकते हो कि बंदा कहाँ कहाँ पे। तो जैसे आपको पता चल जाएगा कि सीढ़ियों के पास कोई बंदा कैंप कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैठ जाना, और यहाँ से आपको एक स्टन गन अगर आपके पास है तो आपको स्टन गन खींचना और सामने की दीवार में आपको पटक देना। स्टन गन सामने की दीवार से टकरा के ऊपर चला जाएगा और ऊपर का बंदा वहीं हो जाएगा पूरी तरह से अंधा। उसके बाद आप काफ़ी ईजिली उस पर रश कर दोगे और वो अंधा रहेगा, और फिर आप उसको काफ़ी अच्छे से मार दोगे। तो भाई, कैसा लगा आपको ये ट्रिक नंबर 2, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो भाई लोग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बंदे जो है रेड हाउस के यहाँ सबसे पीछे वाले रूम में जो है यहाँ पे कैंप कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ से हमें वो मार देते हैं। तो अब इस वाले कैंपर को कैसे मारना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको बेधड़क यूँ कभी भी घुसना नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ पे सीढ़ी के पास आना है, तो जैसे आपको दिखेगा कि बंदा आगे कैंप कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको फ्री फायर करते हुए जल्दी से इधर बालकनी में आ जाना है। लेकिन आपको नीचे भागना नहीं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लोहे पे जंप करना है। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा इधर स्लाइड करेंगे तो आप जो है इस छोटी सी कॉर्नर बना हुआ इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। खिड़की के पास आने के बाद आपको सामने जो है विंडो में जंप कर देना, और आप काफ़ी इजीली इधर आ जाओगे और यहाँ से उस बंदे को आसानी से आप मार सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ट्रिक भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर। तो भाई लोग, कभी कभी क्या होता है, बंदे ऊपर रेड हाउस के छत पे जो है लेटे होते हैं, और उन्हें मारने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें नीचे से नेट करना होता है। तो कभी कभी नेट सक्सेसफुल नहीं जाता। तो भाई लोग, हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि बंदा जो है रेड हाउस के सबसे ऊपर छत पे लेटा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड फ्लोर पे आना है। सेकंड फ्लोर पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं 3 खिड़कियाँ दिख रही होगी, आपको जो सबसे लास्ट वाले विंडो के पास आना है और यहाँ पे जंप करना। तो आप जैसे ही इस विंडो पे आ जाओगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे बीच में आके आपको स्केटबोर्ड का यूज का बटन दबाना है। जैसे आप स्केटिंग करोगे फ्रेंड्स, आप जो है काफ़ी इजीली ऊपर के बंदे को आप देख सकते हो, मार सकते हो बिना ऊपर जाए। तो कैसा लगा आपको ट्रिक्स, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई लोग, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी नॉलेजेबल भी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।